जी नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सप्तैन खान साहब। प्रोग्राम में आपको शामदीद कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, ओपोजिशन इस वक्त किस स्टेज पे खड़ी है, सबसे पहले शुरुआत इससे करते हैं कि आज जो रेक्विजिशन दी गई, ओपोजिशन आई है, जब से अभी तक हुकूमत ने बागडोर संभाली है, हमने देखा है कि अवामी इशू पे असेंबली में कम ही बात हुई है, तो अवाम के लिए कितना फायदेमंद है या गैर फायदेमंद? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ये बात ठीक कह रही हैं। ये अवामी, ये जो असेंबली है, इसका मतलब तो ये है कि हम आएँ और लोगों की प्रॉब्लम्स को एलेबरेट करें, लोगों की तकलीफ़ें बताएं, लोगों के दुख बताएं। लेकिन उनका इस वक्त एक ही दुख है कि शहबाज़ शरीफ को अरेस्ट क्यों किया गया है। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि पिछले 10 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है, उन्होंने 56 कंपनीज बनाई हैं, हर डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने पैरेलल एक और डिपार्टमेंट बनाया है जिसके सीईओज़ को उन्होंने लाखों रुपये तनख्वाहें दी हैं। अगर इस तरह उन्होंने हर डिपार्टमेंट के साथ एक पैरेलल डिपार्टमेंट बनाना था तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिट या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की गवर्नेंस का क्या फ़ायदा था? तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों का कोई तुक नहीं बनता था। ये उन डिपार्टमेंट्स को इम्प्रूव करते, न कि उनके साथ पैरेलल बनाते। और अब उनका एक ही एजेंडा है, वो है कि शहबाज शरीफ को, अब शहबाज शरीफ को रिहा हमने तो नहीं करना, शहबाज शरीफ को हमने तो नहीं पकड़ा, उनको इदारों ने पकड़ा है, उनको असेंबली इसमें मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। हम क्या कर सकते हैं? हम नैब या खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट या उनको कह सकते हैं कि आप शहबाज शरीफ को छोड़ दें? अगर शहबाज शरीफ ने गलत काम किए हैं तो हम अपने इदारों के साथ हैं। पिछले 5 साल भी हमारा यही मौकफ था, इस 5 साल भी यही मौकफ है कि हम अपने इदारों के साथ हैं और हम इदारों के साथ खड़े होंगे। हम वी वुड सपोर्ट आर इंस्टीट्यूशन। सप्तैन साहब, अब हम देखते हैं कि बलदियाती निज़ाम के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बलदियाती निज़ाम को मजबूत करना था, लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं जो तरक्याती फंड्स हैं वो बलदियाती निज़ाम को देने के बजाय बलदियाती नुमाइंदों को देने के बजाय MPS को देना, तो ये कितना गलत है? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मेरी बात सुने, हम तो MPS को बलदियात वाले फंड नहीं दे रहे इस दफा भी, चाहे वो जिन हालात में भी। MPA का काम तो नहीं है सड़क बनाना, तरक्याती फंड लेकर क्या करेगा MPA? बिरादरान ने गलत रवेश डाली है, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की गलत रवेश है। हम तो कहते हैं कि ये बल्दियाती इदारों का काम है और इंशाल्लाह हम जो बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं ये लूला लंगड़ा अपाहिज किस्म का निज़ाम नहीं होगा, बल्कि बड़ा एक जैसे अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, इंशाल्लाह ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम वो वाला होगा और आप फील करेंगे कि बड़ा अच्छा निज़ाम होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है यासिन सोहल साहब ने, मुस्लिम लीग रहनुमा हैं और वो रहनुमा हैं जिनको पिछले इजलास में असेंबली का दरवाज़ा दिखा दिया गया था। अब आपको हम वेलकम कह देते हैं असेंबली के अंदर। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा यासिन सोहल साहब, बहुत मामला जो हैं बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप एक MPA हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरक्याती फंड्स देने का फैसला किया है वो अपने MPAs और इत्तेहादी जमातों को, तो फिर जो आपके हल्के हैं वो किस तरह से काम करेंगे? आप भी तो MPA हैं। देखें जी, असूली तौर पे तो तमाम MPAs को, जो इलेक्टेड MPAs हैं, उनको फंड मिलने चाहिए। लेकिन इमरान खान की जो पार्टी है PTI, ये तो कहते थे कि हमने MPA MNA को फंड देने ही नहीं है। ये कहते थे कि हम बलदियाती निज़ाम के ज़रिए ये फंड्स लगाएंगे, लेकिन ये यूटर्न लेते हैं, हमेशा यूटर्न लेते हैं, इनसे यही उम्मीद थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी ये अपने MPA MNA को भी फंड दें, क्योंकि ये सिर्फ कह रहे हैं, इनके पास तो वो साथ वो कह रहे हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं, तो हमने लगाना क्या है? जब लगाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये बात यहाँ है कि अगर फंड देने हैं तो फिर हर MPA को मिलने चाहिए, अगर किसी एक MPA को देने हैं तो फिर सबको मिलने चाहिए। वो जब देंगे, अगर हमें नहीं देंगे तो फिर इंशाल्लाह अपोजिशन आवाज़ उठाएगी और हम इसके खिलाफ फिर बात करेंगे, असम्बली के अंदर भी बात करेंगे और बाहर भी करेंगे, तो इंशाल्लाह फंड फिर सबको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मैडम मुस्तरद जमशेद चीमा साहिबा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज ईवान में काफ़ी धुआंधार तकारीर भी हुई हैं और मैं उनको ज़रा फ्रूटफुल तकारीर कंसीडर करूंगी, क्योंकि जहां ओपोजिशन जमात बोली है, आज जो हुकूमती जमात है उसने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। बहुत अहम टॉपिक्स थे जिसके ऊपर बात की गई। आपको लगता है कि जो ओपोजिशन है वो उनके अच्छे काम गिनवाने की बजाय सिर्फ उन्हीं के ऊपर तनकीद की जा रही है जिनके पर सॉलिड सबूत अभी तक नहीं मिल रहे?
नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ये जैसे लॉ एंड ऑर्डर की ये बात करते हैं तो जितनी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ इनके दौरे हुकूमत में उड़ाई गई उसकी जिंदा मिसालें तो इनके पास खुद भी मौजूद हैं। आप मॉडल टाउन वाला सानिया एक ही पकड़ लो, क्या ऐसे होता है? दूसरी बात जहाँ तक रह गई कि जब आप करप्शन की बात करेंगे तो पिछले दौरे हुकूमत में तो थे ही ये कंजेक्टिव टू इनके जो दौरे हुकूमत थे जिसमें 10 ईयर्स तक पंजाब में थे, 5 साल तक ये फेडरल में थे। तो मुझे ये बताएं कि हम क्या जाके चाइना पे करप्शन चार्जेस लगाएं, हम अमेरिका पे लगाएं या हम इंडिया पे लगाएं, लेकिन सबूत हो तो फिर आवाम के लिए भी अच्छा हो और हुकूमत वक्त के लिए भी अच्छा हो। बात ये है देखिए अभी हम आए हुए, अब हमसे ये अभी भी मुझे अच्छा लगता है मीडिया से ये सुन के 80 डेज अभी, तो आप यकीन करें कि हम जो करप्शन चार्जेस इन पे हम लगाते थे विद एविडेंस जिसकी वजह से नायल भी हुए, लेकिन अब हमें गवर्नमेंट में आने के बाद जो चीजें सामने आ रही है ना वो इतनी खतरनाक है वो करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे, जैसे मैं बताती हूँ कि जिस डिपार्टमेंट को सिर्फ आप टच कर लो ना तो आपको पता चलता है कि अरब हा, ये बोलते थे अरब हा रुपए की करप्शन कोई धेले के भी लाए, सो उसके एक दिन में ओवरनाइट हम एविडेंस नहीं ला सकते। बट ये है, मैं आपको सिर्फ, मैं पिछले बजट पे मेरी स्पीच भी थी के एक इन्होंने फर्ज करें बजट में अनाउंस किया सीएम हाउस का जो एक्सपेंडिचर्स उसको इन्होंने विद इन 3-2 मंथ्स लाइक चुपके ये उसको डबल कर देते थे और ये हर जगह पे और कटौती कहाँ से करते थे, हेल्थ से, एजुकेशन से। सो वो कि जहाँ सीएम हाउस की मेंटेनेंस के लिए सीएम के ऊपर खर्चा करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते थे और उसके बाद इन्होंने, अब मैं आपको, करप्शन होती क्या है? अगर आप हेल्थ से पैसे काट रहे हो, अगर आप एजुकेशन से काट रहे हो, आप साफ पानी का पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हो जहाँ पे कुछ चीज सरफेस पे नजर ही नहीं आ रही, जहाँ पे यानी के एक एक प्रोजेक्ट लगाओ और सारे सूबे का बजट उसमें झोंको और वहां से कोई इकट्ठे 40 मतलब हम तो पहले 40-50 अरब से आगे जाते हुए हमें सच्ची बात है अजीब लगता था, लेकिन यहाँ पे तो कई 100 अरब की करप्शन है। आपने हमें एक प्रोसेस बता दिया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैडम, मुसर्रत के लिए क्या है? MPA तो बन गए, आगे कोई आपको ओहदा मिलेगा या कोई जिम्मेदारी मिलेगी? आई ऑलवेज लव टू बी अ वर्कर और मुसर्रत जमशेद चीमा MPA बन गई पार्टी के मेहरबानी। मैं एक PTI की वर्कर थी, एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो सोसाइटी में हर जो भी तबका महरूम हो या जो मुझे लगता था कि इस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए वो मैं उठा रही थी, पहले गली मोहल्ले में। अब चूंकि मुझे एक फ्लोर मिल गया, ऑनरेबल फ्लोर पर भी मैंने बिजनेस ऑलमोस्ट, मैंने तकरीबन जो मुझे फीडबैक मिल रही है कि तमाम जो मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा बिजनेस मैंने सबमिट किया है। मेरा पहला काम बनता है एज ए लेजिस्लेटर कि मैं अपना कोई रोल प्ले करूं, आवाज़ उठाऊं, सिर्फ ओपोजिशन पे नहीं हर बेजाबतगी पे, वो मैं कर रही हूं। उसके बाद अगर कोई मुनासिब रोल ये समझेंगे मुझे देंगे तो आई वुड लव कि मैं उस पर पूरा उतरूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं गजाली सलीम भट साहब, नून लीगी MPA हैं, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरम आपकी जानिब से आज पूरा हो गया लेकिन हुकूमत ने साथ नहीं दिया, अटेंडेंस लगाई चले गए, तो मकासद किस तरह से हासिल नहीं होते हैं जब इजलास बुलाया जाता है, पब्लिक मनी उसमें इन्वेस्ट की जाती है और फिर मकासद भी हासिल ना हो? देखिए ये एक ऐसा फिनोमिना है हमारी कौम का, हमारे लोगों का, कि आप असेंबली में आए हैं तो आके जो लोगों की मुश्किलात हैं उसके बारे में डिस्कस करें और उसके लिए कोई बेहतर राय कोई भी दे, चाहे अपोजिशन से आए चाहे हुकूमती बेंचों से आए, उनको अच्छे तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो फिर अपोजिशन के ऊपर भी लागू होती है बात जो आपने कही कि हुकूमती नुमाइंदगान हो या अपोजिशन हो वो आवाम की आवाज उठाए। तो अभी तक के इजलास जितने भी हमने देखे हैं पंजाब असम्बली की नई हुकूमत बनने के बाद, कहीं पे भी बजट के अलावा आवामी इशूज को उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया अपोजिशन की जानिब से भी, माजरत के साथ? देखें अभी इजलास प्रॉपरली उस तरह चला ही नहीं है, रोज़ कोई ना कोई इलेक्शन, रोज़ कोई ना कोई वोटिंग हो रही थी, उसकी वजह से ये आप मानते हैं कि जो आवाम है वो नज़रअंदाज हो रही है? आवाम तो नज़रअंदाज हो रही है, आवाम के साथ जो हो रहा है वो इंशाल्लाह ताला इस नवंबर के बिलों में लोगों को पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। अच्छा ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब नैब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने नैब को कहा कि मेरे बेटे जो हैं वो तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट जो भी हैं सबूत जो भी हैं देंगे, लेकिन सलमान शहबाज साहब आते हैं और मुतमईन नहीं करके जाते नैब को और अब बैरून मुल्क चले जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? शहबाज शरीफ पाकिस्तान का लीडर है। अच्छा।
तो ये मुश्किलात जो आई हैं इंशाल्लाह ताला इस मुश्किलात में से वो बड़े आसान तरीके से गुजरेंगे। तो सबूत क्यों नहीं पेश किए जा रहे? सबूत मांगे तो सबूत दे ना, सबूत तो मांग दिए ना, सबूत मांग रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बिजनेस है, जो 56 कंपनीज हैं, उनके सबूत मांग रही है कि ठेके जिस तरह से दिए गए हैं, एक को एक अरब, एक सेम सड़क बनाने का एक को एक अरब रुपए देते हैं, दूसरी कंपनी को 2 अरब देते हैं सेम लेंथ की सड़क बनाने। अगर उसमें आप देखें मटेरियल का फर्क होगा, उसमें कुछ ब्रिजेस बनते होंगे, इसलिए 1 अरब से 2 अरब दे देना, तो ये सबूत ही दे देना कि भाई ये मटेरियल जो था वो महंगा था, ये सबूत ही होते हैं, ये आप दे दें। आपको पता है आज से कुछ 2-3 महीने पहले जो सरिया था यानी स्टील बार जो थी वो थी 72,000 रुपए, आज है वो 95,000 रुपए, तो कितना डिफर हो गया ये 3 महीनों में हुआ है। तो गुजाली साहब उसका सबूत भी हो सकता है कि मैंने एक सूट 2005 में मैंने 100 का लिया था, तो मैंने 2018 में वही सूट मैंने 1,000 का लिया है, तो ये तो रीजनेबल, एक आप कह लें कि आप रीजनेबल आप दे रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं, उसका सबूत भी मैं दे सकती हूँ। सबूत है, सबूत आप बाजार से पता करें, सबूत आप जो कंपनीज जिन्होंने बिड की हुई है। शहबाज शरीफ साहब नहीं प्रोवाइड कर सकते? शहबाज शरीफ साहब नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि उनकी कंपनी नहीं है, कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम अपोजिशन लीडर भी आपके सामने लेकर आए, हम वज़ीर इत्तला'आत को भी आपके सामने लेकर आए, बहुत सी अहम गुफ्तगू हुई हैं, बहुत सी अहम बातें हुई हैं। फ़ियाज़ुल हसन चौहान साहब ने राणा मशरूर साहब को क्या कहा, उसके जवाब में राणा मशरूर साहब ने क्या जवाब दिया, इसके अलावा हमज़ा शहबाज शरीफ साहब नैब के हवाले से क्या कहा और इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने क्या बयान दिए, ये तमाम तर एक्सक्लूसिव टॉक आपने अपने प्रोग्राम, अपने फेवरेट प्रोग्राम टॉप स्टोरी में देखी है। आज की टॉप स्टोरी से हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।